राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव भी गुरुवार को ठाकुर विवाद में कूद पड़े हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की उपज है। आरएसएस की उपज नाथूराम गोडसे से हुई थी। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ये हत्यारों की पार्टी है। मैं ये खुलेआम बोलता हूँ और मैं किसी से नहीं डरता हूँ। बीजेपी के आरोपों पर कि लालू प्रसाद यादव के इशारों पर ठाकुरों को अपमानित किया जा रहा है, पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि ऐसा नहीं है। लालू जी के इशारे पर ये सब नहीं होता है। आरएसएस की उपज बीजेपी है। इन्वॉल्व किए हुए उन लोगों का रोटी नहीं चलता है, पेट पेट जो होता है ना, जो खाना खाना जो खाते हैं पेट में, तो हम लोग का उठाता ही है ये लोग सवाल, लेकिन इन भाजपाइयों से कुछ होना जाना है नहीं। देश किस तरीके से बुरा हाल में है और खासकर केंद्र में उनका शासन है, और देख लीजिए कि पूरे हर एक स्टेट में सब लोग, पूरी जो जनता है पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रही है इनसे, भाजपाइयों से खासकर। क्या बोलता है भाजपा नहीं बोलता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या भाजपा बोलता है नहीं बोलता। तेज प्रताप जी बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लालू यादव जी के इशारे पे ही ठाकुरों को अपमानित करवाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिए कौन किसको क्या करता है। लालू जी के इशारे पे ये सब चीज नहीं होता है। भाजपाइयों क्या करते हैं नहीं करते हैं, सबसे पहले तो भाजपा जो है आरएसएस का, समझिए कि पूरे तरीके से आरएसएस का उपज है, और आरएसएस की उपज जो हुई है वो नाथूराम गोडसे, जो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का जो हत्या की है, तो ये हत्यारों की पार्टी है। हम तो खुलेआम बोलते हैं, मैं किसी से डरता नहीं हूँ कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त। पत्रकार ने लालू के इशारे पर ठाकुर ब्राह्मण विवाद को लेकर सवाल किया था, जिसके जवाब में पर्यावरण मंत्री ने ये बात कही। साथ ही ये भी कहा कि मैं बस एक ठाकुर को जानता हूँ, वो भी वृंदावन वाले ठाकुर जी जिन्हें हम भगवान कृष्ण कहते हैं, हम और किसी ठाकुर को नहीं जानते, वह सिर्फ एक ही ठाकुर को जानते हैं, इसके अलावा सब इंसान है, वह है इंसानियत का धर्म, ये धर्म सबसे बड़ा होता है और सबसे महान। देखिए ठाकुर और ब्राह्मण के बीच सब इंसान है, हम इंसानियत जो है हर एक लोगों को इंसानियत दिखना चाहिए, और कौन जाति है कौन क्या जाति है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म है, और अपने आप में इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है, इसलिए इंसानियत होना चाहिए सबसे पहले, हम ये जानते हैं। नीतीश जी और लालू जी की काफी मुलाकात हो रही है, तो पहले भी मुलाकात होती थी, आपकी मुलाकात नहीं होती, आप लोग की भी तो रोज मुलाकात होती है। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि हर आदमी को इंसानियत की बात करनी चाहिए, जाति से हमें कोई मतलब नहीं, इंसानियत धर्म बहुत बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी बात ये कि सभी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। लालू नीतीश की मुलाकात पर कहा कि ये मुलाकात तो पहले से भी होती रहती है।